हेलो दोस्तों, तो आज देखिए हम करने वाले एक धमाका, और धमाके के लिए मेरे पास ये सोडियम मेटल मैंने अमेजोन से मंगाया है और 100 ग्राम के आसपास मेरे पास है। और जैसे ही सोडियम मेटल को मैं पानी के अंदर डालता हूँ तो जो होता है धमाका बूम, वही हम करने वाले हैं। ये सोडियम मेटल बहुत ही अच्छे तरीके से पैक है, इसको मैं धीरे धीरे ओपन करता हूँ, सील तोड़ता हूँ इसकी, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से पानी के अंदर जाते हैं ये मचाता है बवाल। तो जल्दी से करता हूँ इसकी अनपैकिंग, जब तक आप मजे लीजिए हमारी सीनरी का। इसके अंदर ये निकला है बहुत ही धमाके जैसी चीज, ये देखो थर्मोकोल से बिल्कुल, ताकि एयर इसके अंदर ना जा सके, पानी इसके अंदर ना जा सके। अंदर से थोड़ा खुला सा लग रहा है। खैर, इसको मैं और काटता हूँ इसकी पन्नी को, और निकालते हैं भाई अंदर से मेटल। एक्चुअली ये एक लिक्विड के अंदर रखी होती है जो केरोसिन होती है हमारी। ये देखो निकल चुका है मेटल, आपको दिख रहा होगा, ये दो पन्नी के अंदर है, बिल्कुल बढ़िया। ये मेटल है सोडियम, और इसके अंदर आपको लिक्विड से कुछ हाथ पे भी लगने लगी है। ये लिक्विड कुछ और नहीं है, ये जो लिक्विड है ये है हमारे पास केरोसिन। केरोसिन में इसको डालते हैं ताकि एयर से दूर रहे, पानी से दूर रहे, और कुछ ब्लास्ट ना हो सके। वरना ये कहीं रास्ते में लाते लाते ही अमेजोन ब्लास्ट हो जाए, हम बोले भैया कुछ मेटल ला रहा था बंदा, चल बसा। तो ऐसा है कि इसलिए इसको ऐसे पैकिंग की जाती है, बिल्कुल सिक्योर आती है हमारे घर तक। अब ये लगा इसमें रबड़, जब रबड़ निकाल दूंगा तो इसमें एयर जाने लगेगी, ये जल्दी जल्दी रिएक्ट करेगा। तो मैं इसको अभी नहीं खोल रहा हूँ, पहले मैं अपने सामान ले लेता हूँ कि कहाँ पे मुझे डालना है, सेट कर देता हूँ सब कुछ, फिर इसको खोल के डालूंगा, फिर आपको दिखाता हूँ मैं। तो दोस्तों ये मैंने एक पीस निकाला है सोडियम मेटल का, और एक्चुअली में मेटल है, पर सोडियम मेटल इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और साथ में ये सॉफ्ट भी होते हैं, ये ईजिली चाकू से कट हो सकता है। तो मैं ये काट के आपको दिखाता हूँ। और एक्चुअली में बहुत ज़्यादा ना गर्म हो रहा है, क्योंकि बाहर जब मैंने निकाल दिया ना इसको, तो धीरे 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 ये एटमोसफेयर के संपर्क में आके ये धीरे धीरे गर्म होना चालू कर रहा है, क्योंकि ये रिएक्शन कर रहा है, रिएक्टिव बहुत ज़्यादा है। तोड़ देता हूँ मैं इसको, देखो मेटल को तोड़ रहा हूँ मैं। अब देखो मेटल अंदर से ना बहुत ही शाइनिंग है, ये देखो ध्यान से देखो, बिल्कुल शाइनिंग मेटल ही है, लेकिन गर्म हो रहा है ये। देखो मेटल को मैं तोड़ रहा हूँ, ये मेटल है, पत्थर नहीं है, पत्थर जैसा दिख रहा है। ये बहुत बड़ा पार्ट है, मैं इसका छोटा सा पार्ट इन दोनों डब्बों में डालूंगा। ये देखिए मैंने दो डब्बे सेट कर लिए हैं जिसमें पानी भरा है, दिखा दो पास से। ये दो डब्बे हैं जिनमें मैंने सेट कर दिया है पानी डाल के, और इनमें मैं डालूंगा इसके दो पीस करके एक ही पार्ट के, पर ये बहुत तेज़ धमाका करेगा, तो इसलिए मैं इसके भी छोटे पीस काट के कैमरा स्टैंड पर रख के आपको दिखाता हूँ। बस यही पटा,
वो ये बढ़िया था। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको, कमेंट सेक्शन में वीडियो को बताइए कि कैसी लगी आपको। जब सोडियम को हमने पानी में डाला तो बहुत ही मज़ा आया, धमाका हुआ। हम अपनी सेफ्टी के साथ गए थे, पूरी पूरी सेफ्टी थी हमारी, हमने ग्लव्स भी लिए थे और मैंने एक हेलमेट भी पहन लिया था, क्यों रिस्क लें। तो आप ऐसा घर पर करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा, बच्चों को चोट लग सकती है, इससे जल सकते हैं और कुछ जख्म भी हो सकते हैं। तो आप प्रैक्टिकल देख के समझ गए होंगे, जब सोडियम को पानी में डालते हैं तो ऐसा कुछ धमाका होता है, क्योंकि सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, पानी के साथ तुरंत धमाका करती है। आप ऐसा घर पे बिल्कुल भी ना करें। हमारा अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ नए एक्सपेरिमेंट के साथ, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।